अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू एमसीपीएस ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चे और बच्चियों, मजमून उर्दू में सबक नंबर 12 नया सबक है, जिसका नाम है कौन बड़ा है। कौन बड़ा है, इस सबक को समझने के लिए इस सबक का सबसे पहले मुश्किल अल्फाज को हम पढ़ें, लिखें और इसके मतलब को हम याद करें। जब हमको ये मुश्किल अल्फाज का मीनिंग मतलब समझ में आ जाएगा, तब हमको ये कहानी समझने में आसानी होगी। तो आइए हम और आप मिलकर सबक नंबर 12, जिसका नाम है कौन बड़ा है, तो इसको समझने के लिए इस सबक का ये मुश्किल अल्फाज मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें, यानी दोहराएं और इसे याद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल अल्फाज की फहरिस्त ये है, लाइन ये है, और इसका मीनिंग इस तरफ है, मतलब की तरफ, मतलब के नीचे। तो यहां देखिए, सबसे पहला वर्ड लिखा है, अल्फाज है तकरार। क्या है? तकरार। तकरार, ते काफ रे अलिफ दे, तकरार। इसका मतलब है नोक झोंक, दो आदमी के बीच में की बहस, नोक झोंक, बातचीत, तकरार, नोक झोंक। यानी एक कहे मैं बड़ा हूं, दूसरा कहे नहीं मैं बड़ा हूं, फिर वो कहे नहीं मैं बड़ा हूं, फिर वो कहे नहीं मैं बड़ा हूं। इसे कहते हैं तकरार, यानी नोक झोंक। इसके नीचे देखिए, जवाब न सूझना। सूझना माने दिखाई ना देना। जवाब, किसी ने सवाल कर लिया, अब उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो उसे कहते हैं जवाब न सूझना। किसी सवाल का हम जब जवाब नहीं दे पाते हैं, तब बोलते हैं जवाब न सूझना, यानी बात न बनना, बात न बनना। अब कोई जवाब जवाब ही नहीं है उसके पास, बोला जवाब हो गया, जवाब ही नहीं दे पा रहा है, बात ही नहीं बन पा रही, वो भी कर रहा नहीं, ये भी कर रहा नहीं, तो कोई मसला हल ही नहीं हो रहा। तो बात न बनना, ये नून नून है, ठीक है। यहां देखिए, नजात यानी छुटकारा। अब रोज रोज की बहस से अच्छा है कोई रास्ता निकल जाए, कोई हल निकल जाए, ताकि ये रोज की बहस बंद हो जाए, तब आ गया नजात, छुटकारा। काही सुस्ती, ये छोटे सीन को ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरह गुंबद बना के भी लिखा जाता है, तस्दीद की शक्ल देखी भी लिखी जाती है। सुस्ती, झिप जाना, झिप गया माने शर्मिंदा हो गया। क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया, किसी ने कोई चोरी पकड़ ली, और इससे पहले ना 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 मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, लेकिन अचानक एक दिन पकड़ा गया, तो वो शर्मिंदा हो गया। ये इस सबक का मुश्किल अल्फाज और उसका मतलब था। अब यहां देखिए, हमने लिखा है सबक का खुलासा। कहानी लंबी है, अब पूरी कहानी का निचोड़ निकाल के यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे आसानी के साथ एक पेज में उर्दू की नोटबुक में आप लिख सकती हैं और इसे आसानी से याद भी कर सकती हैं। तो आइए हमारे साथ पढ़िए, इस सबक में रात और दिन की तकरार को बड़े मुअस्सर अंदाज में बयान किया गया है। मुअस्सर यानी इसका असर हो, जो सुनने में भी अच्छा लगे और वो बात याद हो जाए, अच्छे अंदाज में बयान किया गया। तो क्या है वो? एक बार दिन और रात में इस बात को लेकर तकरार हो गई कि बड़ा कौन है। किस बात को लेकर तकरार हो गई? 24 घंटे का दिन भी होता है, 24 घंटे की रातें भी होती, रात भी होती है, तो अब ये रात भी कह रहा है कि नहीं मैं बड़ा हूं, दिन कह रहा है मैं बड़ा हूं, इसी बात को लेकर तकरार हो गई।
दोनों तरह तरह से अपने बड़े होने की दलील देते हैं। क्या दलील है? एक ने कहा जब सर्दी आती है तो मैं बड़ा, रात करे मैं बड़ा हो जाता हूं, उधर वो दिन कह रहा है जब गर्मी आ जाता तो मैं बड़ा हो जाता हूं, दोनों में तकरार हो गई और सही बात है। अब इसका फैसला कैसे हो? लेकिन ये तय नहीं कर पाते हैं कि आखिर बड़ा कौन है। दोनों ने अपनी दलील दी कि सर्दी में मैं बड़ा, रात ने कहा, गर्मी में मैं बड़ा, दिन ने कहा, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। आखिर में जब दोनों रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गए तो वह सूरज के पास पास जाते हैं। सूरज ही तो है, सर्दी में जल्दी डूब जाता है तो रात करी मैं बड़ा हूं, गर्मी में देर से डूब जाता है, डूबता है तो दिन करा मैं बड़ा। सूरज के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब आप ही बताइए कि हम दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा। अब सूरज के पास दोनों गए और सूरज के ही दोनों बच्चे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मैं बड़ा हूं और एक कह रहा है कि मैं बड़ा हूं। दो बच्चे हैं, एक का नाम रात है और एक का दिन है। रात अपनी दलील में ये कह बता रहा है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो रात लंबी हो जाती है, मैं बड़ी। और दिन कह रहा है कि जब गर्मी का मौसम आता है तो दिन लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो मैं बड़ा हूं। तो इसके फैसले के लिए दोनों सूरज के पास पहुंचे और सूरज ने क्या फैसला किया ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। अभी आप इसे अच्छी तरह से समझकर अपने नोटबुक में लिखें और इसे याद करें। जिसकी समझ में ना आए वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अल्लाह।